मैं हूँ रिचा एंड आई वेलकम यू टू परचम कॉम्पिटिशन क्लासेस, जहाँ हम कोई भी जीके हो उसको निमोनिक साइंस यानी मेमोरी टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट की मदद से बहुत इजीली याद कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था वर्ल्ड मैप सीरीज रिसेंटली, जिसमें कुछ वीडियोस कुछ कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा हुआ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो बहुत पसंद कर रहे हैं इस पूरी सीरीज को, उनके लिए थैंक यू। आज का जो टॉपिक है वो है ग्रीनविच मीन टाइम यानी ग्रीनविच मध्याह्न समय से रिलेटेड, प्लस हम टाइम जोन्स के बारे में पढ़ेंगे, हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पढ़ेंगे, वो सारी कैलकुलेशंस भी देखेंगे जो टाइम से रिलेटेड होती हैं, और जितने भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके डाउट्स प्रॉब्लम्स होने चाहिए मेरे हिसाब से इस सेशन के बाद वो नहीं रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है? ये ऐसा सोलर टाइम है, सोलर टाइम क्या होता है अभी बताती हूँ, जो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे पड़ता है। ये हमारी 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, 0 डिग्री देशांतर, जिसको कि हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। इस लाइन के ऊपर जो जो कंट्रीज आएंगे उन पे जो जो समय पड़ रहा होगा, नॉट पूरी कंट्री, इस लाइन के ऊपर जो जो समय पड़ेगा उस समय को बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। राइट, अब ग्रीनविच मीन टाइम ही क्यों बोलते हैं, सोलर टाइम क्या होता है? सोलर टाइम ये होता है क्योंकि ये समय सूरज की वजह से चेंज होता है। सूरज की पोजीशन फिक्स है, अर्थ घूमती रहती है, तो कहाँ पे धूप पड़ेगी कहाँ पे रात पड़ेगी उस हिसाब से टाइम चेंज होगा। राइट, इसलिए इसको सोलर टाइम कहते हैं। आप बेसिक इतना ध्यान रखो, प्राइम मेरिडियन पे जो समय होता है या ग्रीनविच मेरिडियन पे जो समय होता है उसको ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। राइट, अब जीएमटी ही क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ग्रीनविच से पास होती है प्राइम मेरिडियन। पढ़ चुके हैं पहले, ग्रीनविच कहाँ है? लंदन के साउथ ईस्ट में, देख लीजिए मैप पे फटाफट। ये है हमारा यूके, राइट, ये यूरोप चल रहा था, तो ये यूके में लंदन के साउथ ईस्ट में ये रहा ग्रीनविच, क्योंकि यहां से ये प्राइम मेरिडियन पास होती है, इसलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। अब एक और टर्म होती है यूटीसी, यानी कि कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। जीएमटी का एक और नया नाम पड़ा कब से, 1972 से कानों में पड़ा। अच्छा, जिन्होंने फोनेटिक की क्लास मेरी अटेंड की होगी उनको पता होगा हम फोनेटिक सिस्टम यूज करते हैं, 7 के लिए के, 2 के लिए एन, तो हमारा इसका कोड है कान। तो नया नाम जीएमटी का हमारे कानों में पड़ा। जिनको ये सिस्टम नहीं पता कोई बात नहीं, आप 72 डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल डेट्स और ये सारे डेटा लर्न कैसे करें उसकी टेक्निक मैंने बता रखी है, वो आप सीख सकते हैं। नहीं तो 72 ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, सीधे याद हो जाएगा। तो 72 में एक नया नाम पड़ा जीएमटी का, वो था कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। ये दोनों सेम टाइम है, सिर्फ इतना फर्क है ये थोड़ा आउटडेटेड है, पुराना है। ये सोलर टाइम पे डिपेंड करता था कब धूप आ रही है कब छांव आ रही है, और ये जो टाइम है ये बहुत प्रिसाइज है, नैनो सेकंड्स तक काउंटिंग देखता है, तो इसलिए ये अपग्रेडेड वर्जन है, आप ऐसे समझिए। ठीक है, हालांकि कई जगह पे आपको अभी भी जीएमटी ही दिखेगा, सो इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। तो जीएमटी क्या था मैंने बता दिया, डिटेल अभी पढ़ेंगे। यूटीसी क्या होता है, एक और नया टर्म है इसके लिए, अपग्रेडेड वर्जन है। कुछ जगहों पे यूटीसी से प्लस टाइम चलेगा, कुछ जगहों पे यूटीसी से माइनस टाइम चलेगा। राइट, वो क्या है नेक्स्ट अभी एक दो स्लाइड के बाद बताती हूँ। फिर आता है एक टर्म टाइम जोन। टाइम जोन क्या होता है? टाइम जोन का मतलब एक ऐसे रीजन जहाँ पे सेम कॉमन लोकल टाइम चलता हो। पूरी अर्थ पे अलग अलग टाइम्स चलते हैं। आपने देखा होगा कभी आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखो या कई अच्छे होटल्स में देखो, अलग अलग घड़ियाँ लगी हुई होती हैं, वॉचेस, उन सब पे अलग अलग टाइम दिखा रहे होते हैं, कहीं पे डेनमार्क का, कहीं पे यूके का, कहीं पे कहीं का। राइट, सो वो क्या है, वो बता रहे हैं कि अलग अलग देशों के डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, डिफरेंट टाइम्स चलते हैं वहाँ पे। तो टाइम जोन क्या होता है, एक ऐसा रीजन जहाँ पे सेम लोकल टाइम चलता हो, जैसे इन। राइट, अगेन डिटेल आगे पढ़ेंगे। अब ग्रीनविच में भी कहाँ से प्राइम मेरिडियन गुजरती है, जीएमटी कहाँ पे उसका घर है बेसिकली, तो ये है रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच। ये एक लेबोरेटरी है जहाँ से प्राइम मेरिडियन गुजरती है, बिल्कुल इस जगह से ग्रीनविच में भी, रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच, इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लॉन्जिट्यूड क्या होता है प्राइम मेरिडियन का, 000 डिग्री, 00 मिनट, 00 सेकेंड्स। फाइन, सो ये मानक है यानी कि ये स्टैंडर्ड है। अब ग्रीनविच मेरिडियन को ही हम स्टैंडर्ड लाइन क्यों लेते हैं पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड करने के लिए, कोई और लाइन क्यों नहीं ले ली हमने? क्योंकि जब ये सारा कन्फ्यूजन चल रहा था पहले 19th century से पहले, 19वीं शताब्दी से पहले, हर एक कंट्री अपना अपना टाइम फॉलो करती थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब ब्रिटेन का शासन पूरा चल रहा था और उन्होंने ट्रेन्स के थ्रू कारोबार करना शुरू किया, यहाँ से वहाँ सामान आना ले जाना शुरू किया, तो बहुत कन्फ्यूजन होता था, कहीं पे कोई टाइम चल रहा है, कहीं पे कोई टाइम चल रहा है, ट्रेन का टाइम ही क्लियर नहीं हो पाता था। तो इस कन्फ्यूजन के चलते
एक इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस रखी गई ब्रिटेन गवर्नमेंट द्वारा अक्टूबर 1884 में, ओके, और उसमें ये डिसाइड हुआ कि जो ग्रीनविच से पास होगी लॉन्जिट्यूड उसको हम 0 डिग्री मानेंगे, उसी के बेसिस पे पूरे ग्लोब के सारी जगहों का टाइम डिसाइड होगा। कुछ देशों का इससे आगे चलेगा, कुछ का पीछे चलेगा, डिपेंडिंग ऑन 24 आवर्स ऑफ द डे, राइट। तो क्योंकि ब्रिटेन का शासन दुनिया की अधिकतर जगहों पे था, तो इनके कहने के मुताबिक ग्रीनविच को ही एक मानक रेखा मान ली गई, एक स्टैंडर्ड लाइन मान ली गई, और उसी के बेसिस पे पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड हुआ। यहाँ तक की कथा समझ में आ गई। अब चलते हैं, टाइम कैलकुलेट होता कैसा है पूरे वर्ल्ड में, राइट, और इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल होंगे वो भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखिए, आपको पता है एक दिन 24 घंटे का होता है। उस 24 घंटे में जो अर्थ है वो सूरज अपनी ही एक्सेस पे, यहाँ सूरज है अपनी ही एक्सेस पे पूरा एक चक्कर काट चुकी होती है, राइट। तो जब एक पूरा चक्कर कंप्लीट होता है तो कितने डिग्री कवर कर चुकी होती है वो, 360 डिग्री, 360 डिग्री का एक चक्कर काट चुकी होती है। कितने घंटों में? 24 घंटों में। तो देखिए, अगर 360 डिग्री 24 घंटों में कवर करती है अर्थ, राइट, तो उल्टा लिखते हैं ना, हम लिखते हैं अगर 24 घंटे में 360 डिग्री कवर करती है तो एक घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, कितने डिग्री लॉन्जिट्यूड यानी देशांतर को कवर करेगी। तो 360 बटा 24 कर दें यानी 360 डिवाइडेड बाय 24, ये आ जाएगा हमारा 15 डिग्रीज। ये तो एक हुआ पॉइंट, यानी एक घंटे में 15 डिग्रीज मूव करती है अर्थ। कौन सी डायरेक्शन में? अर्थ का रोटेशन कैसा है? वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ, राइट। सो जब वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है अर्थ तो 15 डिग्री यू मूव कर जाएगी। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर हम इसको लें मिनट्स में, राइट, सो हम कह सकते हैं कि, अब इसको एक और एंगल दे देती हूँ, यहाँ तो 15 डिग्री तक का हमें समझ में आ गया, 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। सो अगर 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर यानी 60 मिनट्स लिख दूँ मैं यहाँ पे, 60 मिनट्स लिख सकती हूँ, तो एक डिग्री घूमने में अर्थ को कितना समय लगता है मिनट्स की अगर मैं बात करूँ, तो 60 डिवाइडेड बाय 15 कर दूँ मैं, तो ये आ जाएगा हमारा 4 मिनट्स। एक डिग्री मूव करने के लिए अर्थ को 4 मिनट लगते हैं, और 15 डिग्री मूव करने के लिए अर्थ को 60 मिनट यानी 1 घंटा लगता है। यहां तक की बात समझ में आ गई या नहीं? याद करने वाली कुछ भी नहीं है। 24 घंटे घूमने के लिए घूमती है, 360 डिग्री कवर करती है, एक घंटे के लिए 360 डिग्री बटा 24 यानी डिवाइड बाय 24 15 डिग्री। यहाँ तक अब उसी को, ये तो आवर्स में था मेरे पास, तो मैंने इसको मिनट्स में कर लिया, 60 मिनट्स में 15 डिग्री मूव करती है तो एक मिनट में कितना मूव करेगी? 4 डिग्री मूव करेगी। इतनी बात समझ में आ गई। एक कॉन्सेप्ट तो आपको ये पकड़ में होना चाहिए अगर आपको न्यूमेरिकल्स ढंग से समझने हैं। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैप की मदद से समझो, ईस्ट और वेस्ट का कॉन्सेप्ट, राइट। ये हमारी प्राइम मेरिडियन जा रही है, ओके, लेट मी टेक अनदर मार्कर। ये हमारी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जा रही थी। ये वाला हिस्सा ईस्टर्न हेमिस्फेयर या फिर पूर्वी गोलार्ध का पड़ेगा, ये वाला हिस्सा वेस्टर्न हेमिस्फेयर यानी पश्चिमी गोलार्ध का पड़ेगा। अब अगर ये 0 डिग्री है और अर्थ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, राइट, ये वाला जो हिस्सा है ये इस लाइन से पहले ही आगे निकल गया। टाइम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए टाइम ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 12 बज रही है, दिन के 12 बज रहे हैं, 12 नून बज रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो ये हिस्सा पहले ही आगे निकल गया, यानी ये सुबह देख चुका है, ये दोपहर देख चुका है, 12 इसमें पहले ही बज चुकी है, ये और आगे निकल गया। यहाँ 12 बजी है मतलब ये हिस्सा आगे निकल चुका है, घूमने लग गया और आगे, तो यहाँ जो समय होगा इस ईस्टर्न हेमिस्फेयर में ये इस जगह के मुकाबले प्लस का समय होगा, यानी या तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ समय अलग अलग जगहों पे बज रहा होगा। कितनी कौन सी जगह पे कितना समय बजेगा वो टाइम जोन्स हैं, वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। अगर ये 12 बजे या इसको आप ले लो, चलो अगर ये 2 बज रहे हैं, दिन के 2 बज रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ दिन के 2 बज रहे हैं तो इस हिस्से में 2 बजे से आगे का समय होगा, यानी 3, 4, 5, 6, 7, क्यों? क्योंकि अर्थ यहाँ से पहले ही आगे घूम चुकी है, ये 0 डिग्री है। और ये जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है पश्चिमी गोलार्ध, अभी ये पीछे है, इसको 2 बजे तक पहुँचने में समय लगेगा। देखो अगर ये है, ये हमारी लैटिट्यूड 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, यहाँ तक पहुँचने में इस हिस्से को भी टाइम लगेगा, ये पीछे का हिस्सा है, राइट।
सो ये माइनस में है। अगर यहाँ 2 बज रही है तो यहाँ अभी 1 बज रही होगी, 12 बज रही होगी, 11 बज रही होगी, सुबह के 10 बज रहे होंगे, सुबह के 9-8 ऐसे कुछ बज रहे होंगे, और इस वाले हिस्से में दिन के 3-4-5-6-7-8 ऐसे कुछ बज रहे होंगे। ये बात समझ में आ गई। वेस्टर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर यानी पूर्वी हिस्से में प्राइम मेरिडियन के मुकाबले आगे का समय होता है, यानी प्लस का समय होता है, और यहाँ पे माइनस का समय होता है। ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। समझते चलिएगा, रटने की कोशिश मत कीजिएगा। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन पे, इस कॉन्सेप्ट पे जो मैंने अभी आपको दो कॉन्सेप्ट बताए, 15 डिग्री और 4 मिनट वाला और ईस्ट और वेस्ट वाला, उसी पे बेस दो तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, बनते ही बनते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि, ठीक है, नॉट हर एग्जाम में नहीं बनेंगे, पर अगर इस टॉपिक को कवर किया जाए तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब देखो, पहले तरह का क्वेश्चन देखो, अगर दिन के 12 बज रहे हैं ग्रीनविच मेरिडियन पे, ठीक है, तो आपको लोकल टाइम बताना है 30 डिग्री वेस्ट पे और 65 डिग्री ईस्ट पे। क्वेश्चन समझ में आया? इन्होंने बोला है जो प्राइम मेरिडियन है इस पे कितने बज रहे हैं, दिन के 12 बज रहे हैं, आपको बताना है 30 डिग्री वेस्ट पे टाइम क्या होगा, ठीक है, और दूसरा आपको बताना है 60 डिग्री ईस्ट पे टाइम क्या होगा। फाइन, अब देखिए ईस्ट और वेस्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, वो एड लास्ट में ऐड करेंगे। अब देखो, हम उस कॉन्सेप्ट से लेके चलते हैं कि 15 डिग्री अगर बराबर होते हैं एक घंटे के, ठीक है, तो 30 डिग्री वेस्ट लॉन्जिट्यूड बता रखा है, ये कितने घंटों के बराबर होंगे, 2 घंटे के बराबर हो जाएंगे, तो 30 डिग्री वेस्ट 2 घंटे, आवर्स तो निकल गए। अब क्योंकि ये वेस्ट है तो हम प्राइम मेरिडियन वाले टाइम में इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्या करेंे, वेस्ट में है तो घटा देंगे, यानी अगर यहाँ दिन के 12 बज रहे हैं तो यहाँ 2 घंटे पहले यानी सुबह के 10 बजे होंगे, क्या बजे होंगे, सुबह के 10, तो ये एक हमारा आंसर निकल गया। सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं रटना। आपको अगर ये भी याद नहीं रहता है बाई चांस कि 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, तो आप कहानी 360 डिग्री और 24 घंटे से चालू कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ कॉन्सेप्ट चालू करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब हमने कहा कि 15 डिग्री अगर एक घंटा होता है तो 65 डिग्री पे कितना टाइम होना चाहिए। एक पहले आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, बिकॉज आप जहाँ भी पढ़ रहे होगे ना, शॉर्टकट फॉर्मूले से कई जगह आप पढ़ते हो, मैं अगर समझाने में गई तो आप बोलोगे मैम इतना लंबा समझा रहे हो, इसे तो छोटा सा फॉर्मूला दे देते। तो एक पहले फॉर्मूला देख लो, अगर आपको टाइम पूछा जाता है तो टाइम बराबर डिग्री इंटू 4, ये टाइम मैं बात कर रही हूँ मिनट्स की, ठीक है, डिग्री इंटू 4, 4 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एक डिग्री में हमने पहले पढ़ा था 4 मिनट्स होते हैं, यानी मिनट्स होते नहीं, एक डिग्री में अर्थ 4, एक डिग्री घूमने में अर्थ 4 मिनट का टाइम लगाती है, ठीक है, 4 मिनट में एक डिग्री मूव कर रही है। अब इस हिसाब से अगर अपन चले तो 65 डिग्री हमको दे रखा है इंटू हमने 4 किया, तो ये कितना आ जाएगा, जल्दी से करो, 260 मिनट्स आ गए, ठीक है, 260 मिनट्स आ गए। अब आप इसको कर लो, अगर आपको घंटे में चाहिए तो इसी फॉर्मूले में, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था, इसको डिवाइडेड बाय 60 ले लो, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा टाइम निकालने का। मैं यहाँ समझाती हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन कम होगा, ऐसे देखो, यहाँ देखो, डोंट गेट कन्फ्यूज, यहाँ देखो, हमारा था डिग्री दिए हुए हमें 65 इंटू 4, तो ये हमारा आ गया 260 मिनट्स। अगर 260 मिनट्स को आपको आवर्स में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 60 करोगे, राइट, 60 से डिवाइड करते ही क्या होगा, आपके 4 तो घंटे निकल जाएंगे, ये हटाओ, ये 6 3 18, 6 4 24, बेसिक समझाते जा रही हूँ, तो 4 से डिवाइड करने के बाद 4 घंटे निकल गए, बचे हुए थे जो 20 मिनट में आ जाएंगे, ठीक है। अब या तो आप ऐसे कर लो, 4 घंटे 20 मिनट इस तरह से, नहीं तो लॉजिकली करना है तो ऐसे देखो, 15 डिग्री का अगर एक घंटा था तो 60 डिग्री का कितना हो जाएगा, 4 घंटा हो जाएगा, यहाँ तक बात समझ में आ गई, बची हुई आपकी 5 डिग्री, ठीक है, अगर एक डिग्री 4 मिनट के बराबर है तो 5 डिग्री कितने मिनट के बराबर होगी, 20 मिनट के बराबर होगी, और ये आपका 4 घंटे 20 मिनट आ गया। मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा समझ में आता है, बिकॉज इसमें लॉजिक है, आप फॉर्मूले से रट के करना चाहो तो वो भी मैंने करवा दिया, और ऐसे करना चाहो तो ये ज़्यादा समझने वाला है। अब क्योंकि ये ईस्ट था, तो ये जो 12 बजे समय था उसमें ये समय
ऐड हो जाएगा। तो यहाँ 12 बजे थे तो इस लॉन्जिट्यूड पे कितने बजे होंगे, 4:20 शाम के 4:20 होंगे। ये बात समझ में आ गई। तो जितने भी तरीके से सवाल करवाया जा सकता था एक बने बनाए फॉर्मूले से समझा करके हर तरह से मैंने आपको करवा दिया। ये तो हुआ एक सवाल जिसमें आपको डिग्री दे रखी थी लॉन्जिट्यूड की, प्राइम मेरिडियन का समय दे रखा था और आपको कहा था कि उस जगह पे क्या टाइम होगा वो बताइए। अब दूसरे तरह का सवाल जो बनता है वो देखो, अगर ग्रीनविच पे 7 बजे हैं यानी यहाँ पे शाम के 7 बजे हैं तो कैलकुलेट द लॉन्जिट्यूड ऑफ अ प्लेस वेयर द लोकल टाइम इज 1 PM। ठीक है, अब आपको बताना है कि वो कौन सी जगह होगी जहाँ दोपहर के 1 बजे होंगे, दोपहर के 1 यहाँ शाम के 7 बजे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ मुझे दोपहर के 1 ईस्ट में बजेंगे या वेस्ट में बजेंगे। 7 बजे हैं शाम के, दोपहर के 1 कहाँ बजेंगे, वेस्ट में बजेंगे क्योंकि ये पहले का समय है, इस जगह कहीं 1 PM पड़ेगा। ठीक है, यानी वेस्ट में पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जगह अब 7 बजे पे आएगी, अभी पीछे है ये। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, लॉन्जिट्यूड बताना है, लॉन्जिट्यूड बताना है। तो देखो यहाँ 7 बजे या 1 बजा है, कितने घंटों का फर्क है, 6 घंटों का फर्क है, 6 आवर्स का डिफरेंस है। 1 घंटा 15 डिग्री, 1 घंटा कितने के बराबर होता है, 15 डिग्री। तो बता दो 6 घंटे कितने डिग्री के बराबर हो जाएंगे, 16 × 5 = 90 डिग्री। समझ में आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री वेस्ट वो लॉन्जिट्यूड है जहां अगर ग्रीनविच पे 7 बजे हैं तो यहां पे दिन के 1 बजे होंगे। बात समझ में आ गई। ठीक है, ये दो तरह के सवाल समझ में आ गए। ओके, तो ये तो था कैलकुलेशन ग्रीनविच मेरिडियन से, उसको बेस बनाते हुए आप पूरी ग्लोब का टाइम कैसे बनाते हो, है ना, टाइम बेस्ड कैलकुलेशन क्या होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि टाइम जोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन नहीं आएंगी पर समझने के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। देखो ये है हमारी ग्रीनविच मेरिडियन 0 डिग्री। ठीक है, अब दो कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। जो पूरे 24 घंटे होते हैं दिन के उनको एक एक घंटे पे डिवाइड करके हमने 15 डिग्री की मार्किंग कर दी। ये 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ऐसे करते करते 60, 75 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ भी हमने 15, ये थे ईस्ट, ओके, तो ये प्लस लिखे जाते हैं, है ना, क्योंकि ये समय प्लस होगा। ये भी 15 डिग्री, फिर ये दिख रहा है ना आपको, फिर ये 30 डिग्री, दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं लिख देती हूँ, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ऐसे करते करते ये पड़ेगा 180 डिग्री माइनस या फिर वेस्ट, कुछ भी लिखो, ये ऐसे करते करते 180 डिग्री प्लस या फिर ईस्ट, कुछ भी लिखो। ठीक है, ये 24 घंटों के आधार पे हमने हर एक घंटे को, यहाँ टोटल 12 घंटे डिवाइड कर दिए, यहाँ टोटल 12 घंटे डिवाइड कर दिए। वो प्लस वाला जोन है इसलिए प्लस लग गया हर डिग्री के आगे, माइनस जोन है इसलिए माइनस लग गया। यहाँ तक तो हम पहले भी देख चुके थे टाइम जोन क्या होता है। देखो ये जो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, अब ये 15 डिग्री और ये 15 डिग्री है ना, इस 0 डिग्री से 7.5 डिग्री पे हमने एक लाइन बनाई, कितने पे, 7.5 पे, ठीक है, 7.5 डिग्री पे राइट साइड में। और 7.5 डिग्री पे हमने बनाई, मतलब ये सब इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है, पर क्योंकि हम पेपर पे बना रहे हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ बनाई। तो 7.5 डिग्री राइट, 7.5 डिग्री लेफ्ट पे हमने लाइंस बना दी, ये डॉट डॉट वाली लाइंस। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो टोटल इस पूरे जोन की, ये पूरी जो बेल्ट बन गई इसकी टोटल चौड़ाई कितनी होगी, कितने लॉन्जिट्यूड पे आएगा, ये 7.5 इधर के 7.5 इधर के, यानी ये 15 डिग्री बन गए। ठीक है, लेकिन देखो ये 15 डिग्री इन 15 डिग्री से डिफरेंट थे इसलिए टाइम जोन की नीचे लिखी हुई है कैलकुलेशन। ये देखो ये जो आपको ये गैप दिख रहा है, हाँ ये 15 डिग्री का गैप है और ये हो गया ग्रीनविच मीन टाइम जोन है, ये ग्रीनविच मीन टाइम जोन, दिस इज 0 डिग्री जोन, इसको स्टैंडर्ड माना जाएगा, यानी कि इस पूरे 15 डिग्री पे सेम टाइम चलेगा। ठीक है, अगर अभी इस पॉइंट पे
दिन की 12 बजे हम मानते हैं, तो इस पॉइंट पे भी दिन के 12 बजेंगे, इस पॉइंट पे भी दिन के 12 बजे, इस पॉइंट पे भी दिन के 12 बजे। तो ये 15 डिग्री का एक ऐसा जोन हो गया, टाइम जोन हो गया, जहां लोकल टाइम सेम रहेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब इसी पॉइंट से 15-15 डिग्री आगे चलते जाओ, ठीक है, ये प्लस वन टाइम जोन। जैसे ये 7.5 डिग्री खत्म हुआ ना, ठीक है, 7.5 टच होते ही ये दूसरा, यहां से देखो ये दूसरा टाइम जोन स्टार्ट हो गया, प्लस वन का टाइम जोन, ठीक है। फिर ये 7.5 पे ये 15 जोड़ो, कितना होता है, 7.5 में अगर मैं 15 जोड़ दूं तो 0.573, ये मेरी मैथ थोड़ी लोचे वाली है, 22.5, ठीक है। तो ये आ गया 22.5 पे ये हमारा प्लस 2 चालू हो जाएगा। अगर 22.5 कंफ्यूज कर रहा है तो छोड़ो छोड़ो, वैसे तो समझने वाली बात है। यहां से ये जो हमने पहला आधा आधा लिया था जीएमटी के राइट साइड में, पहला 7.5 लिया, उस 7.5 और लेफ्ट साइड के 7.5 को मिला के तो पहला टाइम जोन हो गया। फिर इसके बाद 15 डिग्री ऐड किए, यानी इस 0 डिग्री से 22.5 पहुंचते ही सेकंड जोन टाइम चालू हो गया। ये पूरा 15 डिग्री का एक टाइम जोन चला, फिर 15 डिग्री का एक टाइम जोन, फिर 15 डिग्री का एक टाइम जोन, तो ऐसे करते 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 15-15 डिग्री पे टाइम जोन आगे चलते हैं। यानी इस पूरे 15 डिग्री पे सेम टाइम चलेगा, यहाँ पे जो जो भी कंट्रीज आएंगी राइट, उन सब पे सेम टाइम चलेगा, सेम लोकल टाइम होगा। यहां तक की बात भी समझ में आ गई? अब एक बात और समझो, वैसे तो एक एक घंटे का डिफरेंस हर टाइम जोन पे पड़ता है, लेकिन कुछ कंट्रीज होती है, हर कंट्री के पास अपना ये तरीका होता है कि वो चाहे तो अपने जीएमटी से यानी यूटीसी से अपने टाइम को थोड़ा बहुत एक घंटे की बजाय ज़्यादा वेरी कर सकते हैं। कुछ लोग आधे घंटे और उसमें ऐड कर देते हैं टाइम को एडजस्ट करने के लिए, जैसे कि ये आपको इंडिया दिख रहा है पिंक कलर में राइट, इसी तरह से देखो यहाँ पे श्रीलंका दिख नहीं रहा होगा ये पिंक कलर में, ये चाइना पिंक कलर में, ये ऑस्ट्रेलिया का ये वाला हिस्सा पिंक कलर में। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि सिर्फ 1 आवर वाले टाइम जोन के हिसाब से नहीं चलते, ये अपने उस 1 आवर में आधा घंटा और जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं, तो वो इंडिया की बात हम लेते हैं और उसको समझते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? टाइम जोन क्या होता है? टाइम जोन इज नथिंग, वो ऐसा जोन जहाँ सेम लोकल टाइम चलेगा। अर्थ ग्रीनविच मेरिडियन टाइम को ध्यान में रखते हुए एक टाइम जोन सबसे पहले क्रिएट किया गया, उसके हिसाब से 15-15 डिग्री पे एक नया नया टाइम जोन चला। हर 15 डिग्री पे एक घंटा प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में हर 15 डिग्री मूव होने पे इस जीएमटी जोन के बाद हर 15 डिग्री मूव होने में एक एक घंटा माइनस हो जाएगा। और जीएमटी जोन क्या है, 0 से 7.5 डिग्री यहाँ पे प्लस और 7.5 डिग्री यहाँ पे प्लस, तो ये टोटल हो गए 15 डिग्री का जीएमटी जोन हो गया, जिस पूरे में एक स्टैंडर्ड टाइम रहता है। ऐसे ऐसे 15 डिग्री आगे मूव करेंगे। यहाँ तक की कथा समझ में आ गई? चलो अब हम फटाफट से अपनी लास्ट स्लाइड पे चलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड नहीं इसके बाद एक और आएगी। ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। मैंने अभी आपको समझाया कि कुछ देश होते हैं जो कि +1 +1 +1 वाले रूल को फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके देश के अंदर कुछ केओस यानी कुछ टेंशन की स्थिति ना हो कि अरे एक ही देश में दो टाइम जोन चल रहे हैं, ठीक है। कुछ देश ऐसे होते हैं जिनके बीच में से, मान लीजिए वो दो हिस्सों में टाइम जोन में डिवाइड हो गए, जैसे कि इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया की लोकेशन अगर हम देखें, यहाँ तो इन्होंने ढंग से नहीं बता रखी, 68 डिग्री ईस्ट दे रखी है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लगभग ये है। और अगर हम खत्म होने वाली लोकेशन देखें तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये लॉन्जिट्यूड्स हैं इंडिया के, ठीक है। अब देखो इंडिया जो है वो दो टाइम जोन में पड़ता है राइट, एक पड़ता है +5 वाले टाइम जोन में और एक पड़ता है +6 वाले टाइम जोन में। अब ये क्या है, ये क्या है, तो ये यहाँ से समझ लो, अगर नहीं समझ में आया अभी तक तो देखो, ये था 0 वाला टाइम जोन, ये +1 +2 +3 +4, अब ये है +5 और ये है +6। ये इंडिया की लोकेशन देखो, यहां से लेके और यहां तक वेरी कर रही है, ठीक है, ये हिस्सा
और ये हिस्सा कौन से टाइम जोन में आ रहा है, ये है प्लस फाइव, यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा है प्लस फाइव टाइम जोन में, यानी कि अगर यहाँ जीएमटी जोन पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ कितने बजेंगे, 5 बजने चाहिए आधे हिंदुस्तान में, ठीक है। और ये इस लाइन के बाद में इधर आधे हिंदुस्तान में 6 बजने चाहिए, अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ 5 बजने चाहिए या 6 बजने चाहिए, तो इंडिया दो टाइम जोन्स में डिवाइडेड है, राइट। तो क्या करे, क्या ये इसी को कंटिन्यू रखे, इस प्रॉब्लम के चलते इंडिया ने अपना खुद का एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया जो कि कैसे सेट है वो मैं बताती हूँ। देखो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 या 6 घंटे न वेरी करके 5.5 घंटे प्लस चलता है। ग्रीनविच मीन टाइम पे अगर 12 बजी है दिन की तो यहाँ कितनी बजेगी पूरे इंडिया में, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक पूरे इंडिया में कितनी बजेगी, 5.5 बजेगी। समझ में आ गई ये बात। हालांकि गुजरात और बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश का टिप देख लो, है ना, इन दोनों में टाइम डिस्टेंस कितना है, टाइम अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, वैसे ये प्लस फाइव जोन में आता है, ये आधा हिस्सा प्लस सिक्स जोन में आता था, लेकिन ये पूरा एक घंटे का, ये पूरा एक घंटे का, तो गुजरात से ये शुरू हो रहा है प्लस फाइव जोन और अरुणाचल प्रदेश पे ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है प्लस सिक्स जोन। तो टाइम की अगर हम बात करें तो 2 घंटे का डिफरेंस है पूरे इंडिया में, कितने घंटे का, 2 आवर्स का डिफरेंस है गुजरात से लेके अरुणाचल, गुजरात की शुरुआत से अरुणाचल प्रदेश के एंड तक 2 घंटे का डिफरेंस है, लेकिन टाइम जोन कितने पड़ रहे हैं, 2 पड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों टाइम जोन को हटा करके हमने हमारे डायमेंशंस जो कि हम 30 डिग्री लॉन्जिट्यूड में वेरी करते हैं, 29 डिग्री कुछ मिनट्स का फर्क रहता है हमारे इस लॉन्जिट्यूड और इस लॉन्जिट्यूड में, तो रफली हम मानते हैं 30 डिग्री का। तो हमने क्या किया, बीच में, बिल्कुल बीच में एक लॉन्जिट्यूड ले लिया जो कि 5 और 6 के बीच का, यानी 5.5 का लॉन्जिट्यूड माना गया। यहां तक की बात समझ में आ रही है। 68 डिग्री 7 मिनट्स और 97 डिग्री 25 मिनट्स के बीच का लगभग हमने लॉन्जिट्यूड ले लिया जो कि कौन सा है, 82.5 डिग्री ईस्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 82.5 डिग्री ईस्ट, ओके। और इसको हमने पूरे देश के लिए मानक समय मान लिया कि यहाँ से ये जो लॉन्जिट्यूड पास हो रहा है, कहाँ से पास हो रहा है बाय द वे, ये पास हो रहा है मिर्ज़ापुर, अलाहाबाद के पास में मिर्ज़ापुर है यूपी में, यहाँ से ये पास हो रहा है। और जैसे कि ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है ना, ग्रीनलैंड ग्रीनविच से पास होती है, इसी तरह ये स्टैंडर्ड माना गया, मिर्ज़ापुर से पास होता हुआ जो लॉन्जिट्यूड होगा उसको हम स्टैंडर्ड मानेंगे, उसी के आधार पर पूरे देश का समय निर्धारित होगा। तो अब एक बार फटाफट पढ़ देती हूँ, IST 5.5 घंटे आगे होता है GMT या UTC से। IST 82.5 डिग्री या 82.5 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे आधारित है जो कि मिर्ज़ापुर अलाहाबाद के पास यूपी से गुजरता है। अब यहाँ तक की कथा समझ में आ गई ना। अब हमेशा से इंडिया ना एक वन टाइम जोन में नहीं था, 1906 से पहले हमारे यहाँ 2 टाइम जोन चलते थे, एक बॉम्बे टाइम जोन चलता था, कैलकटा टाइम जोन चलता था, बॉम्बे साइड का और कैलकटा साइड का। क्यों, क्योंकि इनमें डिफरेंस बहुत है ना टाइम में, इंडिया बहुत विस्तृत है, 2 घंटे का डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो उसके बाद में 1906 के बाद में सिंगल टाइम जोन डाला गया कि पूरे इंडिया को एक करो। क्यों, क्योंकि दिक्कत आती थी, वही ट्रेन्स जा रही हैं एक शहर से दूसरे शहर, तो समय का कंफ्यूजन होता था। लेकिन 2006 में एक रिकमेंडेशन आई, क्योंकि ईस्टर्न जो स्टेट्स है ना, ये वाले जो स्टेट पर्टिकुलरली असम साइड हो गया, अरुणाचल साइड हो गया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है, उनको बहुत दिक्कत आती है, यहाँ पे सनराइज बहुत जल्दी हो जाता है। देखो 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है और 2 घंटे जल्दी यहाँ सूरज उदय होगा, ये ईस्ट है ना, सूरज जैसे ही उगता है सबसे पहले यहाँ उग जाता है। अगर यहाँ पे हमारे यहाँ हम बात करें इस साइड में, अगर 6 बजे उग रहा है तो यहाँ करीब 4:30-5:45 बजे सूरज उग जाता है, राइट। तो इतना टाइम डिफरेंस है, इनका दिन जल्दी शुरू हो जाता है, इनको पूरा अपना डे मैनेज करने में दिक्कत आ रही है, बिकॉज ऑफिस आवर्स होते हैं 10 से 5 के, 9 से 5 के, 5 से पहले इनका सूरज अस्त होने जितना समय आने लग जाता है, सर्दियों में तो 4:30-5 बजे ही सूरज डूब जाता है। तो इन स्टेट्स की बहुत कंप्लेन आ रही थी कि हमारा बैलेंस ही नहीं बन पा रहा पूरे दिन का, हमारी डे लाइट यूँ ही जा रही है। सो 2006 के अंदर एक रिकमेंडेशन आई कि 2 टाइम जोन इंडिया में होने चाहिए। अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, सबके अपने अपने व्यूज़ आ रहे हैं, बट देन दिस इज द सिनेरियो जो मैंने आपको बता दिया। अभी भी इंडिया में कितना टाइम जोन है, एक ही टाइम जोन है, ठीक है, जो मिर्ज़ापुर वाला लॉन्जिट्यूड है उसको रेफरेंस में लेके। अब ये लास्ट पॉइंट है, जल्दी से कर लेते हैं। ये है इंडिया का मैप,
कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला लॉन्जिट्यूड पास होकर के गुजरता है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो देखो, एक तो हमें पता ही है यूपी, है ना, जहाँ मिर्ज़ापुर से इसको स्टैंडर्ड माना गया है। उसके नीचे देखो बिल्कुल सीधी लाइन, यूपी के बाद ये कौन सा स्टेट है, ये आ जाता है एमपी। फाइन, एमपी आ गया। उसके बाद ये वाला स्टेट देखो, ये आ गया ठीक है। उसके बाद कहाँ है, यहाँ पे ये देखो, ये वाली जगह, ये छत्तीसगढ़ पड़ गया, ये वाली जगह ये है उड़ीसा। फाइन, और ये सबसे नीचे देख लो, ये वाला, ये है आंध्र प्रदेश। पांच स्टेट्स में से होकर के इंडियन स्टैंडर्ड लाइन, स्टैंडर्ड टाइम वाली लाइन गुजरती है। कैसे याद रखोगे, वैसे तो सीधे याद हो जाएगा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। फिर भी करना है तो देखो, यूपी एमपी में 36 को उड़ा दिया, किसने, इस लॉन्जिट्यूड ने, आईएसटी की लॉन्जिट्यूड ने। क्यों, क्योंकि अंधों की तरह चल रही है कि मुझे तो कहा गया इस लाइन से चलना है तो मुझे तो चलना है। यूपी एमपी में 36 उड़ा दिए, अंधों की तरह चल रही थी आईएसटी, ठीक है। तो ये था जितना भी आपको पता होना चाहिए अबाउट ग्रीनविच मीन टाइम, अबाउट योर टाइम जोन्स और अबाउट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आई होप कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, ईस्ट वेस्ट का टाइम जोन्स कैसे बनते हैं, ठीक है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5:30 आगे क्यों है, 5 और 6 में क्यों नहीं है। तो ये सारे कन्फ्यूजन आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रेस फ्री, टेक केयर।